हम सभी की शुरुआत इस दुनिया में एक जैसी ही होती है, भूखे, असुरक्षित और आने वाले कल को लेकर बेखबर। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, इन्हीं फीलिंग्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं इस दुनिया में अपने चारों ओर की कंडीशंस को कंट्रोल करने की, जिससे शायद हम इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें। हम सभी ख्वाब देखते हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिशें करते हैं। हम सभी पाना चाहते हैं कुछ चीजें, कुछ ऊंचे ओहदे, दौलत, शोहरत, ताकत और भी ना जाने क्या क्या। कंसिस्टेंटली हम सबके सब बस इसी होप में जीते हैं कि आने वाले कल में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब हमारे पास इतना कुछ होगा जिससे हम अपने अंदर के इस खालीपन को भर लें, इस भूख को खत्म कर लें और आने वाला कल प्रिडिक्टेबल हो सके शायद। और शायद तब हमें वो अल्टीमेट हैप्पीनेस, वो शांति मिल सके जिसके पीछे हम सारी जिंदगी भागते आए हैं। भविष्य को लेकर ऐसी उम्मीद पॉजिटिव ही लगती है ना? लेकिन शायद ये उम्मीद ही है जो हमें हमारे प्रॉब्लम्स तक ही कंटेन्ड करके रखती है। अपने आसपास की इन कभी ना खत्म होने वाली समस्याओं को समझने के लिए हमें एक प्राचीन दर्शन को समझना होगा, तितिक्षावाद या स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म की शुरुआत सबसे पहले पुराने वक्त में ग्रीस से हुई, लेकिन आगे चल के ये फिलॉसफी रोम में भी काफी फेमस हुई। ये दर्शन की एक ऐसी विचारधारा है जो पैदा होने के आज हजारों सालों बाद भी हमारे समाज में न सिर्फ प्रासंगिक बनी हुई है, बल्कि आज की जनरेशन के ज्यादातर परेशानियों को सॉल्व करने का पोटेंशियल भी रखती है। जहां सारे नाते, रिश्तेदार, दोस्त सब सिर्फ कॉम्पिटिटर्स बन के रह जाते हैं, ऐसे वक्त में स्टोइसिज्म हमें इस केओस से दूर एक शांति की ओर ले जाता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से रियलिटी उसके बारे में बनाए गए हमारे परसेप्शन से हमेशा अछूती रहती है। रियलिटी रियलिटी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कंडीशन से, हमारी फीलिंग से या हमारे पर्सनल ओपिनियन से। हम किसी तरह के सेल्फ एक्सप्लेन्ड फेयरनेस के नाम पर इस त्रासदी, इस दुख को खत्म करने की ना तो उम्मीद कर सकते हैं और ना ही खुद ऐसे यूटोपिया तक पहुंचने की अंतहीन कोशिशें। तो इस सब के बाद बस एक ही ऑप्शन बचता है कि रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए जैसे कि वो है, बिना किसी कंप्लेंट की। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम दीनहीन, असहाय परिस्थितियों के बस शिकार भर बन के रह जाएं। इसके बजाय स्टोइसिज्म हमें समझाता है कि हमारे जीवन के दो आयाम हैं, दो डायमेंशंस, एक्सटर्नल या बाहरी आयाम जिसमें वो चीजें आती हैं जो हमारे मस्तिष्क, हमारी सोच से परे हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इंटरनल या आंतरिक जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक्सटर्नल के हमारे बनाए गए इंटरप्रिटेशंस हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमारे रिएक्शंस होते हैं जो असल में पूरी तरह से हमारे ही कंट्रोल में हैं। लेकिन यहीं पर हम में से सब एक ही गलती करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इंटरनल को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इस तरह से हमारे अंदर से पैदा होने वाले इन आउट ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सेस को कंपेंसेट करने के लिए हम सारी जिंदगी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे बस से लगभग बाहर है, एक्सटर्नल। हम में से ज्यादातर इसी सोच के साथ जीते हैं कि खुशी कहीं बाहर एग्जिस्ट करती है, खुशी कुछ पा लेने में है, कुछ बन जाने में है। ये अभी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जब हम अपने अनअचीवेबल गोल्स को पा चुके होंगे, जब हम खुद के बनाए हुए इन अनअटेनेबल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरेंगे, शायद तब हम खुश हो सकेंगे। क्योंकि खुशी हमारी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशंस को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना? और यही उम्मीदें मानवता के अंतहीन दुखों का कारण बनती हैं। बुद्धा ने कहा था संसार दुखमय है, शायद इसीलिए कहा था। स्टोइसिज्म का ये कतई मतलब नहीं है कि हम अकर्मण्य हो जाएं, लक्ष्यविहीन हो जाएं। लक्ष्य चाहे जैसे भी हों, अगर हमें वो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो हमें उन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्य पाने की इस दौड़ में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें जो हमारे बस में है, इंटरनल। ये दौड़ हमारी खुद से है और इसका मोटिवेशन भी हमारे खुद के इंटरेस्ट से आना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर दूसरों के अचीवमेंट्स को देखते हुए। अपने लिए हम चाहे जो भी कर लें वो सब व्यर्थ ही रहेगा
अगर हम ये मानकर चले कि काम के खत्म होने पर जो रिवॉर्ड मिलेगा वो काम के दौरान हमारे फोकस और हमारे प्रेजेंस के एक्सपीरियंस से कुछ भी बेहतर होगा, मतलब दौलत, शोहरत, फेम और पावर जैसी चीज़ों को पाने की कोशिश में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन एक स्टोइक के माइंड में इन चीज़ों को इंजॉय तो किया जा सकता है अगर वो तुम्हें मिल जाएं, लेकिन अपने मन की शांति के लिए आप उन पर निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी शांति, आपकी खुशी ऐसे गोल्स पर डिपेंडेंट हो जाती है तो वो इन्हीं गोल्स की तरह अस्थाई होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, या फिर हो सकता है कि वो इन्हीं गोल्स की तरह आपको कभी मिले ही नहीं। स्टोइसिज्म बताता है कि सफल व्यक्ति की पहचान ये है कि वो अपनी आकांक्षाओं तक पहुंचे बिना भी खुश रह सकता है, और इसीलिए वेल्थ, फेम और सभी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स जिनकी एक आम आदमी आकांक्षा रखता है, ये अर्थहीन है हैप्पी लाइफ के लिए अगर उसने आज तक इन चीज़ों के बिना जीना नहीं सीखा है तो। रोम के एक राजा थे मार्कस ऑरेलियस। ये उस वक्त के सबसे महान फिलॉसफर्स में से एक थे। दुनिया की सारी चीज़ें इनके एक इशारे पर उपलब्ध थीं, फिर भी इन्होंने लिखा, ऑलमोस्ट नथिंग मटीरियल इज नीडेड फॉर हैप्पी लाइफ फॉर ही हु हैज अंडरस्टूड एग्जिस्टेंस। स्टोइसिज्म की सबसे कॉमन प्रैक्टिस ये है कि कभी कभी उन चीज़ों के बिना रहने की कोशिश करना जिन्हें हम अपनी आरामदेह जिंदगी के लिए अब तक ज़रूरी मानते आए हैं। दुनिया के महान स्टोइक फिलॉसफर्स में से एक सेनेका अपनी बुक लेटर फ्रॉम स्टोइक में लिखते हैं, Until we have begun to go without them, we fail to realize how unnecessary many things are. We have been using them not because we needed them, but because we had them. The point ye hai ki mostly hum consumption isliye nahi karte kyunki wo zaruri hai, balki mehaz isliye karte hain kyunki humne pehle se hi zarurat se zyada khareed rakha hota hai. अगर अपने आसपास हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर हम उन्हीं चीज़ों को ओन करते हैं जिनके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। उन्हें हमने सिर्फ उस इंटरनल की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदा है जिसके आउट ऑफ कंट्रोल होने का भ्रम भी हम ही ने बना रखा है। यहीं से कंज्यूमरिज्म की शुरुआत होती है, जो सोसाइटी की ओवर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिप्रेशन और भी ना जाने किन किन समस्याओं की जड़ है, लेकिन उस टॉपिक पर डिस्कशन फिर कभी। एक स्टोइक के लिए कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारे जजमेंट्स, हमारे इंटरप्रिटेशंस हैं जो हमें ऐसे निष्कर्षों तक ले जाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि पूरे एग्जिस्टेंस के हम एक बहुत छोटे से हिस्से हैं, और जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं उनका महत्व हमसे परे एग्जिस्ट करता है। तो इस सब में हमें जो कुछ भी मिले हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, और फोकस इस बात पर करने के बजाय कि हमें क्या मिला, इस बात पर करना चाहिए कि उसे लेकर हमारा रिएक्शन कैसा है, हमारा हर कदम ईमानदारी और मजबूती के साथ बेस्ट एफर्ट्स वाला ही हो, और बदले में इस दुनिया से चाहे जो भी मिले उसका वेलकम करना चाहिए, अच्छा या बुरा। और इसके साथ ही हम आज़ाद हो सकते हैं इस दुनिया की कियोस से और अपने अंदर एग्जिस्ट करने वाली अंतहीन शांति को प्राप्त कर सकते हैं। साहिर लुधियानवी ने लिखा था, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम तक लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।